अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब जैसे ही आप 18 इयर्स के हो जाते हैं तब से आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप एज अ माइनर भी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी शेयर मार्केट में? विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। और ये किया कैसे जाता है इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं विमल, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज अ माइनर आप इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप माइनर से मेजर होते हो तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एक्चुअली जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग हमें ये कहते हैं कि जब भी आप 18 इयर्स के होंगे तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड बनाना है और इसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देना है। ऐसा मैंने भी आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया था, क्योंकि यहाँ पर मेजरली होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं तो जितना प्रॉफिट दिखता है उतना रिस्क भी होता है। तो इस रिस्क को बियर करने के लिए और इसी के साथ साथ प्रॉफिट को कवर करने के लिए हम लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग 18 ईयर से कम में होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ साथ इसमें रिसर्च किस तरीके से करनी होती है इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है शेयर मार्केट में तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप एक माइनर हैं और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो सबसे पहले आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली चीज है आपका पैन कार्ड और इसी के साथ साथ दूसरी चीज है आपका डीमैट अकाउंट। देखो, अगर आप 18 साल की उम्र के बाद अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका फोटो भी आता है और इसी के साथ साथ आपके सिग्नेचर भी आती है। लेकिन अगर आप एक माइनर हो और आपकी एज 18 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपके जो पैन कार्ड पर है वो फोटो नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड होगा वो माइनर वाला होगा। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, एक डीमैट अकाउंट। अगर आपकी एज 18 इयर्स से नीचे है तो डीमैट अकाउंट आपके गार्डियंस ओपन करेंगे, वो भी आपके नाम का। और जो भी शेयर्स बाय करेंगे वो आपके गार्डियंस बाय करेंगे। आप उन शेयर्स को बाय नहीं कर सकते, आप उन शेयर्स के ऊपर का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं जहां पर मैंने बताया है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली है पैन कार्ड और दूसरा है आपका एक डीमैट अकाउंट। बेसिकली अगर आपका खुद का बैंक का अकाउंट नहीं होगा फिर भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी फंड्स ट्रांसफर करेंगे वो आपके गार्डियन ट्रांसफर करेंगे या आपके पेरेंट्स ट्रांसफर करेंगे। तो जब तक आप मेजर नहीं हो जाते तब तक सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन जो है ये आपके पेरेंट्स लेंगे या आपके गार्डियंस लेंगे। लेकिन इन सारे शेयर्स के जो मालिक होंगे वो आप ही होने वाले हैं। तो अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है और आप एक माइनर हैं तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि आप 18 ईयर से कम की एज में भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है और आपकी एज 18 ईयर से कम है तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, आपको ही होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।